कट गया लेक्चर थोड़ा, तो मैं ये बताता कि जीडीपी में सिर्फ आपको वो चीज़ देखना है जो भारत उस देश का क्षेत्र है कि नहीं, बस ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी। और जीएनपी में वो देखना है कि वो कौन कर रहा है। तो अगर प्रॉफिट कोई कमा रहा है चाइना का कंपनी इंडिया में, तो इंडिया के जीडीपी में होगा क्योंकि भारत के क्षेत्र के अंदर हो रहा है, ये होगा। क्या वो चाइना के जीएनपी में होगा? होगा, क्योंकि चाइना का नागरिक है। चाइना के जीडीपी में नहीं होगा लेकिन जीएनपी में होगा। तो 11 का आंसर होगा दोस्तों सी, ठीक है, बोथ वन एंड टू, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनपी के बारे में फिर से क्वेश्चन है। बोल रहा है इट इंक्लूड प्रोडक्शन टैक्सेस, बोल रहा है दोस्तों इसमें जो है प्रोडक्शन टैक्सेस होता है। तो मैंने बताया था ऊपर प्रोडक्शन टैक्सेस होता है, और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटा देते हैं, है ना, प्रोडक्ट टैक्सेस को भी जोड़ते हैं, तो पहला होगा, ठीक है, ये इसमें उत्पादन कर शामिल है। बोल रहा है इट इंक्लूड ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बोल रहा है इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट जो है दोस्तों शामिल होता है। तो दोस्तों ट्रांसफ़र पेमेंट आपको पता है क्या होता है? हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान मतलब होता है कहीं से आपको अगर डोनेशन मिल गया, अगर विदेशी लोग अगर इंडिया को वाले को डोनेशन दे दिए, या कुछ रेमिटेंस मिल गया, कुछ इस टाइप का मिल गया। तो भैया ये बताइए कि अगर भारत वाले आपको पैसा दे दे रहे हैं फ्री में ऐसे ही, तो क्या कोई प्रोडक्शन उत्पादन आपने किया था, उसको कुछ बेचा था तब मिला है? नहीं। तो जब कुछ आपने बेचा ही नहीं, ऐसे भीख में मिल गया, ऐसे ही मिल गया आपको, तो उसको क्यों जीडीपी में कैलकुलेट होगा? याद रखिएगा इसमें फैक्टर इनकम कैलकुलेट होता है, फैक्टर इनकम जरूर शामिल करते हैं, क्योंकि आपने कुछ चीज़ बनाया उसको बेचा है तब आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन इसमें हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं होता, क्योंकि आपने कुछ बेचा नहीं था, बस आपको फ्री में मिल गया, तो जीडीपी में उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ होगा दोस्तों फर्स्ट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये 13 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, तो बोल रहा है अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश हम किसको बोलते हैं? हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि निवेश निवेश, लेकिन क्या होता है निवेश, है ना, उसको देखना जरूरी है। तो दोस्तों सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान देना है, कैपिटल गुड्स अगर आप बना रहे हो, पूंजीगत वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, तो ही वो जाके भारत में या किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश कहा जाता है, पूंजीगत वस्तु का उत्पादन। बस अगर कोई सामान बना रहे हैं, कोई सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो इंडिया में निवेश काउंट नहीं होगा। अगर कोई कंपनी का शेयर ले रहे हैं आप, तो शेयर अगर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका शेयर आपने खरीदा और किसी को बेच दिया, तो कोई निवेश थोड़ी हुआ। 10 रुपये का शेयर लिए थे, 12 में बेच दिए, तो क्या नहीं हुई, तो आपको लाभ हुआ 2 रुपये। पहले इस शेयर का मालिक आप थे, अभी शेयर का मालिक कोई और हो गया, तो क्या कोई इन्वेस्टमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो याद रखिएगा कि निवेश हम लोग उसी को बोलते हैं जब पूंजीगत वस्तु का उत्पादन होता है दोस्तों। तो केवल 2 सही होगा, ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा 13 का होता है बी, इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसी को बोलते हैं, ठीक है, पूंजीगत वस्तु का उत्पादन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि इंपोर्टेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी, बोल रहा है आयातित पूंजी उपकरण का हिस्सा है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम कुछ चीज आयात कर रहे हैं बाहर से, तो भारत में वो निवेश का हिस्सा है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बोल रहा है कैपिटल गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज इन्वेस्टमेंट। बोल रहा है अगर कैपिटल गुड्स कुछ अगर आप इंडिया में बना दिए, ठीक है, और उसको एक्सपोर्ट कर दिए, तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पूछा है, ऐसा नहीं पूछा कि भारत का इन्वेस्टमेंट क्या है। तो अगर उत्पादन हो रहा है कैपिटल गुड्स का, ठीक है, तो वो निवेश कहलाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि इंडिया के इन्वेस्टमेंट में अगर मान लिया कोई हमने मशीन बनाया, मशीन बना के अगर बाहर भेज दिए, तो ये बताइए कि वो जो पूंजीगत वस्तु था, ठीक है, वो भारत तो किया, तो वो तो निवेश होगा, लेकिन क्या वो भारत का निवेश है? नहीं, वो भारत का निवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीन हमने बना के वो बाहर भेज दिए। तो याद रखिएगा अगर पूछेगा कोई भारत का निवेश क्या है, तो भारत का निवेश में वही होगा जो बाहर से कोई मशीन आ रहा है, कोई कैपिटल गुड्स आ रहा है। कैपिटल गुड्स क्या होता है मैंने बता दिया, वो फाइनल गुड्स होता है और उसका कंजम्पशन जो दोस्तों नहीं होता है, वो उपभोग में जो है प्रयोग नहीं हो जाता है ना, इनपुट के रूप में यूज करते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, उसी को बोलते हैं पूंजीगत वस्तु। तो याद रखिएगा अगर निवेश बोलेगा तो निवेश वही चीज़ होगा जो बाहर से कोई कैपिटल गुड्स अगर आया और हम लोग यूज कर रहे हैं तब, और दूसरा अगर कैपिटल गुड्स भारत में बनाए हम लोग यूज कर रहे हैं तब, अगर भारत में कुछ बनाए और उसको बाहर भेज दिए बेच दिए, तो वो नहीं कैलकुलेट होता इन्वेस्टमेंट में। तो हमारा दूसरा नहीं होगा क्योंकि वो भारत में जो है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कैपिटल में क्या चीज़ आता है, जो
इन्वेस्टमेंट किस भारत का अगर इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वही चीज़ आएगा जो हम लोगों ने गुड्स सर्विस हम लोगों ने क्या बनाया कैपिटल गुड्स बनाया हम लोग पूंजीगत वस्तुएं बनाया और अगर उपयोग कर रहे हैं तब। और दूसरा अगर चाइना से भी अगर कुछ हम लोग चीज़ अगर मंगा रहे हैं मशीन वशीन और यूज कर रहे हैं तो वो भी कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो कोई भी इम्पोर्ट कर रहे हैं कैपिटल इक्विपमेंट तो वो भी कैलकुलेट होगा और कुछ चीज़ बना के अगर भेज दिए तो वो कैलकुलेट नहीं होगा, बना के यूज कर रहे हैं कैपिटल गुड्स तो वो होगा। ठीक है, तो कौन सा हिस्सा है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर क्या है मेरा? सिर्फ एक। ठीक है, केवल एक। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको निवेश किसको बोलते हैं? तो निवेश उसको बोलते हैं जो आप सबसे पहले तो पूंजीगत वस्तु बनाइए कैपिटल गुड्स और बना के यूज कीजिए पहला। अगर बना नहीं रहे बाहर से भी मंगा रहे हैं कैपिटल गुड्स और उपयोग कर रहे हैं तो वो भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू फॉर ए हाई सेविंग रेट इन इकोनॉमी। बोल रहा है भारत में उच्च बचत दर है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बचत दर क्या होता है? आपको पास कितना पैसा आया कंजम्पशन और कितना पैसा कंज्यूम, कितना पैसा आप कमा रहे हैं इनकम माइनस कंजम्पशन, आपका आय कितना आया और कितना पैसा व्यय कर दिए, दोनों को में से घटा देंगे आय माइनस व्यय तो आपका मिल जाएगा बचत। जैसे आपको 10 रुपये पापा दिए और आपने 8 रुपये का समोसा ले लिया तो मतलब 2 रुपये आपने क्या कर लिया? बचत है ना। तो 2 रुपये अगर उसी तरह कोई कंपनी है कोई आदमी है बचत का, हम लोग बचत करते हैं तो बचत करके पैसा कहाँ डालते हैं? बैंक में डालते हैं। तो बैंक वो क्या करता है? बैंक उससे बैंक से पैसा फिर कौन लेता है? कोई निवेशक लेता है ना, पैसा ले लेगा फिर अपना फैक्ट्री में निवेश करेगा। तो अगर बचत दर ज़्यादा है इसका मतलब बैंक में पब्लिक ज़्यादा पैसा जमा करेगा और पैसा जमा करेगा तो उससे निवेश होगा, तो पहला तो सही है। ठीक है, मतलब हमारा ये ऑप्शन चला गया सी, क्योंकि इसमें पहला नहीं है। फिर बोल रहा है हायर कंजम्पशन। ये बताइए दोस्तों, अगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा व्यय बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपका बचत ज़्यादा होगा क्या? नहीं, आपने सब पैसा खर्चा कर दिया ना, 10 में 8 रुपये खर्चा किए तो आपका बचत हुआ 2 रुपये और 10 में से 9 रुपये खर्चा करेंगे तो बचत होगा 1 रुपये। इसका मतलब खपत अगर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा सेविंग बचत दर कम होगा, लेकिन इसमें बोला उच्च बचत दर तो इसमें हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया तो ये ऑप्शन चला गया, ये भी चला गया, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया बी। ठीक है, केवल 1 और 3 है ना। तो एक्सपोर्ट, क्या इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा दोस्तों? हाँ बढ़ेगा, कि अगर आप जो है आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा दोस्तों तो वो सामान बनेगा और सामान बनेगा तो आपका भी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो सामान क्या हो रहा है? आप बना रहे हैं फैक्ट्री बनाएगा और चूंकि इंडिया में क्या है कंजम्पशन कम है कंज्यूम कम है तो इंडिया में उस सामान को लोग कम खरीदेंगे तो बाकी सामान क्या होगा? बाकी सामान का एक्सपोर्ट होगा निर्यात होगा, तो मेरा तीसरा सही है। ठीक है, तो आंसर क्या है दोस्तों? बी। यहाँ भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सकल स्थिर पूंजी निर्माण का हिस्सा है दोस्तों? तो देखिए जो हमने निवेश पढ़ा है ना निवेश, तो निवेश में जो हम लोग देखें दोस्तों तो एक होता है सकल पूंजी निर्माण। तो सकल पूंजी निर्माण होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें दो चीज़ आता है, एक आता है सकल स्थिर पूंजी निर्माण ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, प्लस कोई मूल्यवान धातु है तो, या फिर कोई आपका जो सामान में जो गोदाम है गोदाम का अगर अमाउंट मात्रा चेंज हो रहा है तब। तो याद रखिएगा सकल पूंजी निर्माण में आपका सकल स्थिर पूंजी निर्माण ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो आता ही है, साथ ही साथ इसमें गोदाम में जो भी आपका सामान है स्टॉक है वो भी आएगा, माल प्लस वैल्यूएबल मेटल, ठीक है, मूल्यवान धातु भी आता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या आएगा वो पूछा है, क्या इसमें मशीन इक्विपमेंट आएगा? आएगा। क्या इसमें बिल्डिंग आएगा? आएगा। क्या इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आएगा? आएगा, क्योंकि सभी चीज़ हमारा पूंजी है फिक्स्ड कैपिटल है कि नहीं, और बाकी वैल्यूएबल मेटल वो भी आता है। तो सकल पूंजी निर्माण में क्या क्या आएगा ये सब सारी चीज़ आएगा। ठीक है, ये बाकी जो हम लोग देखें मूल्यवान धातु और हमारा माल गोदाम में जो रखा हुआ है वो हमारा पूंजी निर्माण में आता है। तो पूंजी निर्माण बराबर होता है सकल पूंजी निर्माण, देखिए ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बराबर होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस धातु प्लस आपका जो माल है। ठीक है, तो
ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो आता ही है और ये सब भी आता है, और इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें जितना भी मशीन वसीन है ये भी आएगा, इसमें बिल्डिंग आएगा और इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आएगा, तो तीनों होगा। 16 का आंसर डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। 17 देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है डिस्पाइट बींग ए हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, बोल रहा है कि इंडिया में सेविंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी भारत में कैपिटल फॉर्मेशन जो है आउटपुट नहीं दे पा रहा है। मतलब हमने ऊपर देखा कि सेविंग होता है तो निवेश होगा, तो निवेश को ही कैपिटल बोलते हैं, है ना, तो फिर भी कैपिटल नहीं हो पा रहा है, उतना नहीं बन पा रहा है, और आउटपुट वस्तु उतना उत्पादन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा जो भी हम लोग पूंजी तो बहुत ज़्यादा लगा दे रहे हैं लेकिन उत्पादन जो है कम हो रहा है, मतलब कैपिटल हम लोग का बहुत ज़्यादा खर्च हो जा रहा है लेकिन इसके बावजूद हमारा आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। हम लोग मशीन बहुत लगा दे रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारा आउटपुट जो है दोस्तों इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं है, अशिक्षा से नहीं, ये से नहीं, क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा लग रहा है और आउटपुट हमारा कम हो रहा है। वही क्वेश्चन पूछा था कि सेविंग होने के बावजूद हमारा पूंजी निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो 17 का आंसर होगा डी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वोट आई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसके बारे में हमारा कथन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ICOR क्या होता है, नाम ही से पता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात। मतलब ये रेशियो होता है कि आपने कितना कैपिटल, एक तो है कि वृद्धि इंक्रीमेंट, मतलब कैपिटल आपका कितना बढ़ा और आपका आउटपुट कितना बढ़ा उसका रेशियो, समझे, आपका कैपिटल का रेशियो और आपका आउटपुट का रेशियो। मतलब कि अगर आप कैपिटल कितना चेंज कर रहे हैं तो उसके तुलना में आपका आउटपुट कितना चेंज हो रहा है। मतलब मान लो आप एक मशीन था 10 लाख का, उसको बनाते थे, उससे आप बनाते थे 12 लाख का मैगी, मान लो लीजिए आपने एक मशीन और लगा दिया 1 लाख का, तो 11 लाख आपका मशीन में लग गया, तो आपका आउटपुट अब कितना बढ़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया आपको, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात, ठीक है। तो ये बताता है दोस्तों कि हमारा कैपिटल कितना अच्छे से यूज हो रहा है ना। अगर ICOR कम है इसका मतलब कम कैपिटल में आप ज़्यादा आउटपुट कर दे रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, कम कैपिटल में ज़्यादा आउटपुट कर दे रहे हैं, है ना। तो ये बताता है ICOR कि किस तरह से आपका कैपिटल कितना एफिशिएंटली, कितना कुशलता से उत्पादन हो रहा है, पहला सही है। दूसरा, इट इज़ द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन एडिशनल आउटपुट, तो वही बताया, ये बताता है कि एक अतिरिक्त उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी का इकाई कितना होगा दोस्तों, तो दूसरा भी सही है। फिर तीसरा देखते हैं, बोला इट इज़ द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, देखिए दोस्तों ये नहीं बताता है, उल्टा मत जाइए, ये बताता है कि यार कितना पूंजी आपको, एक यूनिट अगर कैपिटल आप ऐड कर रहे हैं एक इकाई, तो कितना आपका आउटपुट बढ़ा, ये बताता है, उल्टा मत जाइए कि एक यूनिट आउटपुट के लिए कितना आपका कैपिटल चाहिए, समझ में आ रहा है, तो तीसरा गलत होगा। चौथा, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन आउटपुट, यही होता है, ये बता दिया ऊपर में, तो 1:4 होगा, कि ये बताता है कि कितना कैपिटल आपको चाहिए एक यूनिट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, आपने जो है कितना कैपिटल आप ऐड कर रहे हैं कि आपका एडिशनल एक यूनिट बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, उल्टा मत जाइएगा कि एक यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए एक कितना एडिशनल कैपिटल आपको लगेगा, बात समझ में आ रहा है, चलिए तो 1:4 होगा, तो मेरा 18 का आंसर होगा दोस्तों सी, ठीक है, 1, 2 एंड 4। अगला है, बोल रहा है कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्री विल लीड टू, अगर किसी देश में पूंजी निर्माण होता है दोस्तों तो उससे क्या होगा, ये हमारा पूछा है, क्या उससे ICOR बढ़ेगा। मैंने बोला ICOR क्या होता है, जितना कम होगा उतना बेटर है, तो अगर पूंजी निर्माण करना है तो ICOR को कम करना पड़ेगा, तो 19 का ए नहीं होगा दोस्तों,
जैसे ही ए नहीं होगा मेरा ये ऑप्शन चला गया। ठीक है, आप देखते हैं डिक्रीज इन ICOR। देखिए ICOR अगर कम होगा तो उससे पूंजी निर्माण होगा, समझ में आ रहा है? उल्टा मत जाइए कि पूंजी निर्माण होगा तो अब ICOR होगा, नहीं, ICOR हो रहा है इसका मतलब पूंजी निर्माण जितना कम होगा ICOR उतना मतलब पूंजी निर्माण अच्छे से हो रहा है, समझ में आया? अब मैं बोलूँ कि आम खाने से विटामिन ए मिलता है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि विटामिन ए खाने के खाना है तो आपको आम खाओ, नहीं बोलेंगे ना, आम खाओगे तो विटामिन ए मिलेगा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, उल्टा जो नहीं जाएंगे विटामिन ए खाने के लिए आम खाइए, बात समझ में आ रहा है? कहाँ क्या बोलना चाह रहा है वो देखिए, तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा मतलब ICOR होगा तभी होगा, लेकिन बोल रहा है कैपिटल फॉर्मेशन से ही ICOR को चेंज होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है मतलब मशीन बन रहा है, मशीन बनेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो ये सही है मेरा, आर्थिक विकास सिर्फ सी होगा। क्वेश्चन क्या है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको ध्यान से पढ़ के समझना पड़ेगा और हड़बड़ाइए मत कि आपका गलत हो रहा है, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए। इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिएगा, जो PDF को मैं क्या बता दिया हूँ उसके मदद से, तो आपको बहुत आसानी से जो है आपका इकोनॉमिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बोल रहा है कैपिटल आउटपुट रेशियो डिपेंड्स ऑन गवर्नेंस क्वालिटी ऑफ लेबर टेक्नोलॉजी इत्यादि, बोल रहा है पूंजी निर्माण। तो दोस्तों पूंजी निर्माण मतलब क्या, कि आपका कौन जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हुआ है ना, या बाहर से मंगाए, तो सही है, लेबर पे डिपेंड करेगा ही, टेक्नोलॉजी पे, तो मेरा ये सही है। बोल रहा है इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो वही है, कैपिटल आउटपुट मतलब क्या, कैपिटल आपको जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर निकालेंगे, पूंजी उत्पादन मतलब कैपिटल बाय आउटपुट, अगर इसको कम करेंगे मतलब कैपिटल कम, कैपिटल में ज़्यादा आउटपुट देंगे तभी ना ये घटेगा। कैपिटल आउटपुट कब घटेगा, अनुपात, जब आपका कैपिटल कम लगेगा और आउटपुट आपका ज़्यादा होगा तो इससे नहीं भी निर्माण होगा, ठीक है, तो इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ेगा आपका। 20 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी, बोथ 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बोल रहा है फॉर ए सस्टेंड हाई ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू, निरंतर उच्च वृद्धि के लिए कौन सा कथन सही है। बोल रहा है रेजिंग द इन्वेस्टमेंट बाय कीपिंग द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो मिनिमम, बोल रहा है ICOR को कम करते हुए आउटपुट बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो सही बात है, ICOR को जितना कम करेंगे उतना आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जितना कैपिटल होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा, तो मेरा पहला ही कथन सही है, ठीक है। ICOR को हम लोग को जो है कम करते हुए आउटपुट बढ़ाना है, ठीक है, कॉन्स्टेंट करते हुए नहीं, कम करते हुए, ठीक है, तो ये सब गलत होगा, ठीक है, तो 21 का आंसर होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, बोल रहा है इफ़ द कैपिटल यूटिलाइजेशन इन द इकोनॉमी इज डिक्रीजिंग देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोल रहा है यदि अर्थव्यवस्था में क्षमता उत्पाद घट रहा है, मतलब जितना आपको कैपेसिटी था मशीन का, जितना कैपेसिटी था प्रोडक्शन करने का, उतना प्रोडक्शन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में हमारा कथन है। बोल रहा है कैपिटल टू आउटपुट रेशियो विल डिक्रीज, तो क्या ये बताइए दोस्तों, जितना आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कैपिटल आपको ज़्यादा लग रहा है, आउटपुट आपका कम हो रहा है, कैपिटल क्या लग रहा है, बढ़ रहा है, और आउटपुट आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, तो अगर डिनोमिनेटर हर अगर घटेगा तब मेरा रेशियो बढ़ेगा या घटेगा, अगर नीचे वाला चीज़ घटेगा मतलब ऊपर वाला चीज़ बढ़ रहा है, ठीक है, कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, बढ़ेगा, तो मेरा 22 का पहला जो है गलत होगा। बोल रहा है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही बात है, एक यूनिट प्रोडक्शन में आपका कॉस्ट ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपका आउटपुट घट रहा है लेकिन कैपिटल पूंजी आपका ज़्यादा लग रहा है, ठीक, तो ये सही होगा, तो मेरा आंसर सही होगा दोस्तों केवल बी, ठीक है, केवल बी 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ फैक्ट्रीज आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देन द मार्जिनल प्रोडक्टिव ऑफ कैपिटल विल बी, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ फैक्ट्रीज आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल बी, बोलो यदि कारखाने पूरी क्षमता से चल रहे हैं तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या होगी। दोस्तों मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, नाम ही से पता चल जाएगा, प्रोडक्टिविटी निकालना है किसका, कैपिटल का, है ना, तो क्या होगा, चेंज इन कैपिटल मतलब कैपिटल में क्या चेंज हो रहा है बाय चेंज इन आउटपुट, यही मतलब हो गया, है ना, कि कितना आप कैपिटल में चेंज करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, चेंज इन आउटपुट मतलब ऊपर में आपको लेना है कि आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है, मतलब
ठीक है, आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है बटा कैपिटल में क्या चेंज हो रहा है। अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे आउटपुट बाय कैपिटल का चेंज, तब हमको निकल जाएगा पूंजी की सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, और ये बताइए अगर पूरी कारखाना जो है पूरी क्षमता से काम कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब अगर आप कुछ 10 मशीन से एकदम धड़ाधड़ काम हो रहा है और ये जितना इसका क्षमता है वो कर रहा है, अगर हम मान लीजिए 11 मशीन ले आए तो ये वाला भी जो मशीन है वो भी पूरा क्षमता से काम करेगा, है ना। तो कैपिटल अगर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं दोस्तों, तो मेरा आउटपुट भी क्या हो रहा है पॉजिटिव में चेंज हो रहा है ना, सकारात्मक में, समझ में आ रहा है। इसीलिए अगर कभी भी अगर लिखा यहीं पे होता कि कारखाना पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है, तो हो सके कि यार कैपिटल आप डाल रहे हो लेकिन आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये हम बोल दिया कि कारखाना पूरी क्षमता से काम कर रहा है, मतलब अब अगर कुछ एक्स्ट्रा मशीन भी यूज कर ऐड करेंगे तो सकारात्मक ही पॉजिटिव ही चेंज आएगा। तो 23 का आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। बोल रहा है कि इफ ए कंट्रीज ग्रोथ रेट इज गुड, अगर किसी देश का विकास दर अच्छा है बट देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट, लेकिन रोजगार में कोई चेंज नहीं हो रहा है, रोजगार जस का तस है। ठीक है, तो बोले विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन, तो क्या कारण हो सकता है दोस्तों। तो पहला है कि द ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। बोल रहा है ग्रोथ आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा मौजूदा क्षमता था उसी को हम लोग बेहतर कर रहे हैं, ना कि हम लोग नया कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 24 है तो यही होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए जो आप अगर मान लीजिए आपके पास 10 मशीन एक मशीन था उस पर आप 10 मैगी बनाने की क्षमता थी 15, लेकिन बना रहे थे 10, तो अगर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ही अगर एग्जिस्टिंग जो ही मशीन था उसी से आप कुछ चेंज कर दिए और 10 से 15 मशीन बना लिए, तो ये बताइए तो क्या कोई नया आपको वर्कर रखना पड़ा, क्या नया कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, नहीं, वही मशीन था, हाँ अच्छे से काम नहीं कर रहा था, उसी मशीन को हम लोग ग्रीसिंग व्रीसिंग कर दिए, बढ़िया चीज़ कर दी और प्रोडक्शन बढ़ा दिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो नया चीज़ कैपिटल गुड्स आएगा, और जब कैपिटल गुड्स आएगा तो उसको चलाने के लिए मशीन भी मजदूर भी चाहिए दोस्तों। तो हमारा पहला ही सही होगा, क्योंकि मौजूदा क्षमता से कोई बेहतर कर रहे हैं, ना कि निवेश के द्वारा ही वृद्धि हो रहा है। ठीक है, फिर अगला है द ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, नहीं दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो मेरा आना ही आना है, मतलब मजदूर आना ही आना है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा नहीं होगा। फिर बोल रहा है द ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम बोथ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट और वो नहीं, इन्वेस्टमेंट जहाँ भी आ गया इसका मतलब की है कि हम लोग को वर्कर को रखना पड़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लेकिन बोल रहा है कि कोई देश है उसका ग्रोथ रेट तो अच्छा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो मौजूदा स्तर है उसी का बेहतर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो 24 का आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ इन ए कंट्री विल नेसेसरली हैव टू ऑकर, बोल रहा है आर्थिक विकास होगा, निश्चित रूप से होगा, अनिवार्य रूप से होगा, कब होगा, क्या उस देश में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा, क्या मान लो आर्थिक विकास कब होगा, मान लो कोई देश था वहाँ मैगी बनाते थे मशीन से, अब हम लोग अब कितना मैगी बना रहे थे 10 मैगी और 10 मैगी का रेट मान लो 100 रुपये, अब क्या है मशीन के पहले मजदूर की मदद से मैगी बनाते थे 10 मैगी 100 रुपये का, अब मजदूर को हटा के मशीन रख लिए अभी भी 10 मैगी 100 रुपये में बना रहे हैं, तो क्या उससे आर्थिक विकास होगा दोस्तों, नहीं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अगर हो रहा है तो आर्थिक विकास कोई नहीं कह सकते कि निश्चित रूप से होगा, बोल रहा नेसेसरली मतलब अनिवार्य रूप से होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ, किसी देश का जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या आर्थिक विकास होगा, नहीं, आर्थिक विकास कब होगा भैया, जब पूंजी निर्माण होगा, नए नए मशीन्स आएगा, नए नए बौद्धिक संपदा आएगा, कहीं ज़मीन खरीद गया, कहीं फैक्ट्री लग गया, तब आर्थिक विकास होता है। तो जब भी किसी देश में पूंजी निर्माण होगा दोस्तों तभी आर्थिक विकास निश्चित रूप से होगा। तो 25 का आंसर होगा दोस्तों सी, जब देश में पूंजी निर्माण होगा तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25-26 देखते हैं अब। बोल रहा है ए ग्रोथ ए कंट्रीज गोइंग थ्रू ए फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोई देश औद्योगिकीकरण की तरफ दौर से गुजर रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कोई देश अगर औद्योगिकीकरण कर रहा है मतलब कोई मशीन मैगी हम लोग मैगी बनाते थे मान लो आदमी बनाता था, अब मैगी बना रहा है मशीन, तो क्या होगा उससे। ठीक है, तो एक अगर आदमी बनाता था तो हो सके यार एक दिन में ये 10 ही मैगी बना पाएगा,
लेकिन जब मशीन आ जाएगा तो मशीन आदमी को मदद करेगा, ठीक है, पैकिंग करने में और सब उसको क्वालिटी को छांटने में, सुखाने में, उखाने में, तो आदमी का प्रोडक्टिविटी जो है उत्पादकता बढ़ेगा, बढ़ेगा ना जी। तो 26 का देखेंगे अगर, तो क्या कैपिटल टू लेबर रेशियो बढ़ेगा, देखेंगे तो हाँ सही बोल रहा है कि कैपिटल टू लेबर रेशियो क्या कि कम लेबर में ही आप ज़्यादा कैपिटल जो है ज़्यादा उत्पादन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा सही होगा, कैपिटल कम लेबर में ही, कैपिटल टू लेबर रेशियो का मतलब क्या कि श्रम आपको कम लगेगा और आपको पूंजी जो है आपका ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि मशीन यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ेगा क्योंकि मजदूर जो है ज़्यादा आप महंगी बना पाएगा तो श्रम की उत्पादकता बढ़ जाती है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, फैक्टर मैंने बताया था, फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब आप मशीन यूज करोगे तो आपका कैपिटल बढ़ेगा और आपका लेबर भी बढ़ेगा, है ना, लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये भी होगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 26 का डी, सभी ऊपर का सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, आप क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ेंगे डिकोड करके और इसी पीडीएफ को बार बार रिवाइज करेंगे, आपका बहुत जो है अच्छा हो जाएगा दोस्तों इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई कंबाइंड इंडेक्स। बोल रहा है इन्फ्लेशन डेटा इज पब्लिश्ड बाय एनएसओ, मुद्रास्फीति का डेटा एनएसओ देता है, सही बात है, मैंने देखा भी था। इसका जो बोल रहा है आधार वर्ष 2011-12 है, ये भी सही है, 11-12 ही है, इसी के आधार पर जो है इन्फ्लेशन देखता है, ठीक है दोस्तों, 2011-12 बेस्ट ईयर है। पूरा इट इज रिलीज फॉर ऑल इंडिया एंड फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी सेपरेटली ऑन है मंथली बेसिस, तो याद रख लीजिएगा जो महंगाई का जो है डेटा है दोस्तों वो पूरे भारत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए निकलता है और मंथली निकलता है, याद रखिएगा। ये महंगाई का जो डाटा है, ठीक है, वो हर मंथ आता है, लेकिन जो जीडीपी का डेटा है दोस्तों वो हर 3 महीना में एक बार आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महंगाई का डेटा मंथली और जीडीपी का डेटा 3 महीने में एक बार, ठीक। तो कौन सा सही है, सब उपरोक्त में से सभी सही है, डी होगा। 28 का देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरियस इन्फ्लेशन इंडाइसेस पब्लिश इन द कंट्री। आपको पता है मुद्रास्फीति का अलग अलग सूचकांक होता है, जैसे सीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई होता है, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। तो याद रखना है कि CPI में गुड्स, सामान और सर्विस दोनों रहता है, ठीक है, चाहे वो सर्विस इंपोर्टेड हो, बाहर से लिए हो या सामान बाहर से लिया है, सब काउंट होता है। अब WPI में भी होता है, लेकिन WPI में सर्विस को काउंट नहीं करते हैं, सेवा क्षेत्र WPI में नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, CPI में हम लोग फाइनल गुड्स को देखते हैं, ठीक है, किसको देखते हैं, फाइनल गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती चीज़ को इसमें नहीं देखते हैं, और पूंजी वस्तु में कितना महंगाई हो रहा है वो CPI में नहीं देखते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए पढ़िए, आप बोल रहे हैं होलसेल प्राइस, तो मैंने जो बताया उसके आधार पर ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बन जाएगा, याद रखना है CPI हो WPI हो दोनों में हम लोग बाहर से आने वाली चीज़ को देखते हैं, CPI में सर्विस भी देखते हैं, WPI में सर्विस नहीं देखते हैं, और CPI में हम लोग मध्यवर्ती चीज़ और पूंजी वस्तु को भी नहीं देखते हैं, कैपिटल गुड्स को नहीं देखते हैं, लेकिन WPI में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, बड़ा होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन सर्विस, थोक मूल्य सूचकांक सेवाओं में मुद्रास्फीति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, एकदम सही है, मैंने बताया था CPI करता है, WPI नहीं करता है। बोल रहा है CPI रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन गुड्स एंड सर्विस, CPI बोल रहा है कि मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का प्रतिनिधित्व करता है वस्तु और सेवाओं का, सही है। फिर बोल रहा है CPI एंड WPI रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, बोल रहा है बाहर से अगर वस्तु आयातित करते हैं तो भी उसमें इसको प्रतिनिधित्व करता है, मैंने बताया दोनों करता है। फिर बोल रहा है CPI डज नॉट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन कैपिटल इंटरमीडिएट गुड्स, मैंने बताया कि मध्यवर्ती वस्तु और पूंजी वस्तु में मुद्रास्फीति को CPI नहीं दिखाता है बल्कि WPI दिखाता है, तो ये भी हमारा सही है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा सही है, सभी उपरोक्त सभी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का मूल्य परिवर्तन शामिल है? WPI में क्या क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं बोलते दोस्तों, क्या इसमें कृषि को करते हैं, क्या इसमें माइनिंग को करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को, इलेक्ट्रिसिटी को, इसमें सबको करते हैं। 29 का आंसर होगा दोस्तों डी, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वेट है सबका, मतलब जो वजन दिया गया है वो दिया गया कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इसमें सबसे ज़्यादा वेट है। मतलब देखिए प्राइस इंडेक्स क्या निकाल रहा है, मूल्य सूचक, मुद्रास्फीति क्या निकालता है, कुछ चीज़ को फिक्स करता है कि इतने सारे चीज़ को हम देखेंगे, उसमें से जो निर्माण के क्षेत्र है दोस्तों उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कौन करता है, कौन रिलीज करता है? इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट जो DPIIT है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय के अंदर में वो करता है, ठीक है। तो इसमें सभी चीज़ होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी है, और सबसे ज़्यादा वेटेज आपका किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसलिए 29 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरी डियरनेस अलाउंस इज लिंक्ड विथ CPI इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो दोस्तों केंद्र सरकार, जैसे हम लोग केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो उसका जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वो महंगाई भत्ता किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, मतलब किस में अगर महंगा बढ़ेगा तो फिर हम लोग का डियरनेस अलाउंस बढ़ता है। दोस्तों जितना भी एम्प्लॉय होता है उसको ट्रीट किया जाता है कि हम लोग जो है वर्कर हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, इसीलिए हम लोग का महंगाई भत्ता CPI इंडस्ट्रियल वर्कर औद्योगिक श्रम से लिंक है दोस्तों। तो 30 का आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए 31 देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक WPI में जो आधार वर्ष है उसके बारे में हम लोग का कथन है दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स सीरीज विद बेस ईयर 2011-12। बोल रहा है द वेट ऑफ कमोडिटी इन WPI बास्केट आर फिक्स्ड टिल द रिवीजन और चेंज इन बेस ईयर। बोल रहा है जब तक हम बेस ईयर मतलब 2011-12 में चेंज अगर नहीं करते हैं तब तक WPI जो बास्केट में जो कमोडिटी का वेटेज है, मतलब मैंने देखा कि अलग अलग चीज़ का वेटेज होता है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग होता है, सर्विस का अलग होता है, मैं सर्विस तो होता ही है WPI, मैन्युफैक्चरिंग होता है, एग्रीकल्चर होता है, उसका वेटेज होता है। बोल रहा है जब तक आधार वर्ष में चेंज नहीं करते हैं तब तक कमोडिटी का वेटेज में भी चेंज नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा सही है, जब तक आधार वर्ष में चेंज नहीं करेगा तब तक वेटेज सेम होता है। फिर बोल रहा है द वेटेज ऑफ द कमोडिटी इन द WPI बास्केट आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो बोल रहा है कि जो वेटेज होगा वस्तुओं का भार जो होगा टोकरी में वो घरेलू उत्पादन और शुद्ध निर्यात पर आधारित किया जाता है। सही बात है, कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है और कितना जो है बाहर से मंगा रहे हो उसके आधार पर वेटेज डिसाइड होता है, ठीक। फिर बोल रहा है द वेटेज ऑफ कमोडिटी इन WPI मार्केट डिटरमाइंड बेस्ड ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट इम्पोर्ट। वो रहा इम्पोर्ट पे भी WPI बास्केट का हम लोग डिसाइड करते हैं कितना हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ जो लिखा है ना कि WPI बास्केट नेट एक्सपोर्ट पे, ये गलत होगा भैया, क्योंकि देखिए WPI जब कैलकुलेट करोगे तो इंडिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो प्लस इम्पोर्ट, बाहर से कितना मंगा रहे वो माइनस एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे जो लिखा है ना नेट ऑफ एक्सपोर्ट, नेट ऑफ एक्सपोर्ट नहीं नेट ऑफ इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट में से कुछ चीज़ एक्सपोर्ट को घटा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ए में से बी को घटाएंगे तो हम जो आएगा वो आएगा नेट ए ना कि नेट बी, तो नेट बी नहीं आएगा, मतलब नेट एक्सपोर्ट नहीं आएगा, इसलिए दूसरा गलत है दोस्तों, आराम से आपको पढ़ना है, शुद्ध निर्यात पर नहीं शुद्ध आयात पर, ठीक है। तो दूसरा गलत होगा, ठीक है, दूसरा गलत हो गया, तो ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। बोल रहा है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को हाईएस्ट वेटेज है, मैंने अभी बताया आपको 64% वेटेज है मैन्युफैक्चरिंग का WPI में, तो ये सही होगा। तो मतलब पहला चौथा सही है, तो ऑप्शन आ गया 134, तीसरा भी सही है, क्योंकि बोल रहा है द वेट ऑफ कमोडिटी, जो कमोडिटी का जो वेट होता है दोस्तों वो WPI बास्केट में डिटरमाइंड होता है इम्पोर्ट के नेट पर ना कि एक्सपोर्ट के नेट पर, जैसे मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। तो 134 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, थर्टी टू देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है इफ़ द इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2022-23 इज 8%। बोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ 8% है, ठीक है, और नॉमिनल ग्रोथ है 12% उसी में। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब रियल GDP, जिसमें महंगाई हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और नॉमिनल ग्रोथ मतलब जिसमें महंगाई को ध्यान में रखा जाता है, उसी समय 12% था। तो GDP डिफ्लेटर कितना होगा दोस्तों, वो पूछा है।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब हिंदी में होता है, इसको जीडीपी डिफ्लेटर ही बोलते हैं। इसका मतलब होता है देखिए क्या, नॉमिनल जीडीपी बट्टा रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। ठीक है, क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बट्टा रियल जीडीपी। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि कितना सामान प्रोडक्शन हुआ आपका इस साल, ठीक है, और उसका रेट कितना था। तो मान लीजिए रेट था, सामान प्रोड्यूस किया आपने एक्स, गुना इस साल रेट कितना था वो लिख लेंगे, और बट्टा सामान का रेट, सामान उतना ही लेंगे जितना इस साल हुआ, लेकिन रेट जो लेंगे रियल जीडीपी में वो लेंगे बेस ईयर का रेट, और यहाँ पे रेट कितना लेंगे करेंट ईयर का नॉमिनल में। ठीक है, तो जब एक्स इंटू, अब मेरा 8% ग्रोथ हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रियल जीडीपी कितना बढ़ा, 8% बढ़ा है, तो कितना हो गया, मान लो एक पहले एक था तो अब कितना हो गया दोस्तों, 1.08 इतना हो गया, हुआ ना 8% बढ़ा है तो 0.08 बढ़ा है, और 12% बढ़ा था नॉमिनल, तो कितना हो गया एक्स इंटू 1.12, मतलब तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो 1.12 बट्टा 1.08 करेंगे दोस्तों, काटेंगे जब आप, ठीक है, तो आपका आएगा 3.7%, इसका मतलब लेस देन 4% होगा आंसर, समझ में आ रहा है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले आप देख लो यार कि नॉमिनल है या रियल है, दोनों में क्या रहेगा, जितना सामान प्रोड्यूस करे वो सेम होता है, वो होता है अभी का, नॉमिनल में प्राइस लेते हैं अभी का और रियल में प्राइस लेते हैं बेस ईयर का। तो बोल रहा है कि 8% बढ़ा था रियल, तो 8% बढ़ा तो 1.08 हुआ, और नॉमिनल बढ़ा है 12 तो 0.12 बढ़ा है तो 1.12 बढ़ा है ना, तो 32 का आंसर क्या होगा, जब जीडीपी डिफ्लेटर निकालेंगे नॉमिनल बाय रियल तो आपका आ जाएगा लेस देन 4%। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोल रहा है मांग की आय लोच के संदर्भ में पूछा है ना, कि मतलब कि जब इनकम बढ़ रहा है तब आपका डिमांड किसी चीज़ का कितना बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आपका इनकम हो गया 1000 था पहले, अब बढ़ के हो गया 2000, ठीक है, तो आपका इनकम बढ़ा। मान लीजिए कोई नमक था, नमक यूज करते थे आप 1 किलो, तो क्या 2000 आपका इनकम हो गया तो क्या 2 किलो नमक खाएंगे क्या, नहीं ना खाएंगे, मतलब वो आपका सेम होगा। तो जब भी आपका इनकम बढ़ता है तो जो लग्जरी गुड्स होता है ना, लग्जरी गुड्स मतलब विशेष गुड्स जो होता है, मतलब जो बहुत कीमती होता है, जैसे कि अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो हो सके कि आप आईफोन भी खरीद लेंगे, ठीक है, समझे। लेकिन जो कॉमन गुड्स होता है, सामान्य वस्तु होता है, उसका इनकम बढ़ने से नहीं है। जैसे हम लोग ब्रेड खाते थे तो एक ब्रेड खाते थे एक दिन में, ठीक है, तो क्या 10,000 इनकम हो जाएगा तो क्या 2 ब्रेड खाने लगेंगे क्या, नहीं। नमक 1 किलो खाते थे महीना में तो 1 ही किलो खाएंगे ना। तो इस कॉन्सेप्ट में ये बताता है कि अगर इनकम बढ़ रहा है तो अगर जो नॉर्मल गुड्स होता है उसका रेट, उसका जो है डिमांड नहीं बढ़ता है, लेकिन जो लग्जरी गुड्स होता है उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिव ऑफ ए गुड फॉर ए पार्टिकुलर गुड टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम। वही बोल रहा है कि जब आय में बदलाव होता है तो किसी वस्तु का मांग की प्रतिक्रिया को मापता है, सही बात है। फिर नेक्स्ट है, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इट इज पॉसिबल टू टेल इफ ए पार्टिकुलर गुड रिप्रेजेंट ए नेसेसिटी और ए लग्जरी। बोला इस अवधारणा से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ आवश्यक है या विलासिता है, सही बात है। अगर उसका डिमांड नहीं बढ़ रहा है मतलब नॉर्मल है, और डिमांड बढ़ रहा है तो मतलब विलासिता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 33 का सी। ठीक है, एक और तो दोनों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री विच अनदर कंट्री। बोल रहे एक देश की दूसरे देश का जो व्यापार का शर्त है उसके बारे में हमें कथन है। ठीक है दोस्तों, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ जो भी गुड्स और सर्विस करता है, मतलब एक कंट्री दूसरे देश के साथ जो भी गुड्स और सर्विस का व्यापार करता है उसको हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं, सिंपल है। ठीक है, समझ में आया, मतलब कि कितना चीज़ हम लोग किसी देश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब निर्यात और आयात का अनुपात को नापता है ये टर्म्स ऑफ ट्रेड। मान लो कोई इंडिया है, मान लो 10,000 का सामान को बेचा बाहर और 1,00,000 का सामान जो है इंपोर्ट किया, तो हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड आएगा दोस्तों वो आएगा 1/10, मतलब हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये हमारा पहला सही है। ठीक है, मतलब कितना मूल्य का आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान और यह वस्तु, और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं उसका रेशियो मूल्य को नापता है। ठीक है, बोल रहा है
It is the ratio value of exports to the value of imports. ठीक है दोस्तों, तो एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस का जो भी इंडेक्स होता है उसको ये नापता है। ठीक वाला, अच्छा बोल रहा है इट इज़ ए रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट का प्राइस इंडेक्स को नापता है, मूल्य सूचकांक को, ना कि मूल्य को। तो दूसरा गलत है, तो दूसरा गलत है, तो ये चला गया। अब तीसरा चौथा देखते हैं। पूरा इट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ मच इंपोर्ट ए कंट्री कैन गेट फॉर ए वैल्यू यूनिट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। बोल रहे हैं ये नापता है कि एक देश कितना निर्यातित वस्तुओं का एक इकाई आयातित कर सकता है। तो सही बात है, वही तो इंडेक्स नाप रहा है, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स बटा इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो हमारा तीसरा सही है। बोला टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। अगर एक्सपोर्टेड गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि हमारा अंश जो है न्यूमरेटर बढ़ रहा है। तो ये भी सही है, तो एक तीन चार सही है। ये दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि वैल्यू को नहीं नापता है, इंडेक्स को नापता है, प्राइस इंडेक्स को। ठीक है, मतलब एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या लिंक है प्राइस में वो नापता है। तो मेरा आंसर होगा दोस्तों केवल एक तीन और चार सी। ठीक है, अगला देखते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेजर ऑफ डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ एन इकोनॉमी। कोई इकोनॉमी कितना खुलापन है, कितना खुला है, वो कैसे पता चलता है? वो इससे पता चलता है भैया कि हम लोग कितना उसका, ये पता चलता है कोई इंडिया है मान लो कितना खुला है, ये पता चलेगा कि भारत का जो जीडीपी है, भारत का जीडीपी उसमें इंडिया का कितना परसेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। मतलब तभी ना पता चलेगा कोई उतना आयात करता है, कितना निर्यात करता है, मतलब भारत के जीडीपी का कितना हिस्सा भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट से करता है। ठीक है, तो ये नहीं नापता है कि विश्व के जीडीपी में उस देश का कितना योगदान है, नहीं, भारत के जीडीपी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या योगदान है वो ये नापता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द जीडीपी ऑफ ए कंट्री, है ना, वो नापता है। ठीक है, तो 35 का आंसर होगा डी, इससे पता चलता है कोई देश कितना खुला है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों अगले पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए चैनल को, इस लेक्चर को, इस कोर्स को करने के बाद आपका इकोनॉमिक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।